ईरान ने तेल बरदार जहाज चलाने की अमरीकी कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया ने यह वीडियो वायरल की है जिसकी बुनियाद पर दावा किया गया कि अमरीकी अफवाज ने ओमान के पानियों में तेल दूसरे टैंकर में मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया था। ताहम ईरानी बहरिया ने हेलीकॉप्टर के बरवक्त कार्रवाई की और चुराए गए जहाजों को वापस ईरानी पानियों में ले आए। अमरीकी फौज ने हेलीकॉप्टरों की मदद से पीछा किया और जंगी जहाज ने रास्ता रोकने की कोशिश भी की, इसे भी नाकाम बना दिया गया। ईरानी मीडिया ने पेंटागन हुकाम के हवाले से भी यह दावा किया है कि अमरीकी बहरिया सूरत हाल का मुशाहिदा कर रही थी, मगर इसने ईरानी हुकाम को चैलेंज नहीं किया। तो दूसरी जानब ईंधन इस्तेमाल के सबब आलमी सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज इस साल कोरोना वबा से पहले की सतह पर आने का खदशा है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्टिव कंसोर्शियम की जानब से जारी करदा जायजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल और सन 2022 में कार्बन डाइऑक्साइड की फिजा में इखराज की सतह बढ़ जाएगी क्योंकि वबा के खात्मे पर सनअतें और मुआसलात का निजाम बहाल हो रहा है। माहरीन के मुताबिक आलमी सतह पर जिस कदर फिजा का इखराज होगा इसमें चीन का हिस्सा, अमरीका का 14%, यूरोपीय यूनियन का 7% और 7% ही भारत का होगा। पेशगोई की गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज इस सन 2023 और 24 में भी अपनी हदों को छू लेगा। इसके नतीजे में खदशा जाहिर किया गया है कि मुस्तकबिल में कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज सन 2019 में रखे गए हदफ से भी बढ़ जाएगा। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें कैना न्यूज़ लाइव।